जो एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो शायद 5 जो है एमएलएज को नॉमिनेट कर सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, यानी 45 से ज्यादा सीटें अगर नहीं मिली तो वहां पर बीजेपी बहुत बड़ा खेल कर सकती है जम्मू कश्मीर में निर्दलियों को लाकर, और वहां के लोगों में जो है अभी भी बीजेपी के प्रति स्वीकार्यता नहीं बन पा रही। लेकिन कश्मीरियत के नाम पे उनको लगता है कि 370 हटा के उनके साथ धोखा हुआ है। नमस्कार, पोलपंच में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ नरेश कोश्यारी। तो आज आपको इंतजार जो था आपका इंतजार खत्म हो चुका है। एग्जिट पोल आ चुके हैं और एग्जिट पोल तो हमने आपको बताया, लेकिन अब हम आपको पोल ऑफ पोल्स बताने जा रहे हैं, नहीं वो निचोड़ बताने जा रहे हैं, और उन कारणों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को पिछड़ने के कारण है। यानी बीजेपी जम्मू कश्मीर में किन कारणों से पिछड़ रही है, किन कारणों से जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनाने बहुमत के करीब जा रही है जो अनुमान है, क्या कारण है, उनकी क्या खूबियां हैं, यहाँ क्या कमियां हैं, टोटल बात करेंगे। अरुण सर मेरे साथ है रोजाना की तरह। तो आज सर बहुत बड़ा दिन है और खास तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लिए, क्योंकि उन्होंने एक बड़े राज्य में फिर से ऐसा राज्य जहाँ पर 10 साल बाद चुनाव हुए और वहाँ पर वापसी की है एक तरीके से। तो क्या लगता है आपको कि पोल ऑफ पोल्स, सर सबसे पहले जानेंगे पोल ऑफ पोल्स क्या कह रहे हैं? देखिए, पोल ऑफ पोल्स में अगर हम लोग देखें, ध्यान दें, तो जिस तरह से दिख रहा है उसमें क्लियर कट उन्होंने कह दिया है जी कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अलायंस है वो विनिंग एज बनाए हुए जी, है जी। और मेजॉरिटी की बिल्कुल नज़दीक दिख रहा है। उसमें आप देखेंगे कि ज़्यादातर उनको 42-46 मेजॉरिटी सीट्स होती हैं, लेकिन 42-46 के बीच में जो है उनको मिल रही है सीट। बीजेपी जो है सिमट गई है तकरीबन 27-30 के बीच जी, में जी। सिमटती ज़्यादातर का जो अनुमान है। सबसे ज़्यादा नुकसान पीडीपी को हुआ है। पीडीपी जो है 10 का आंकड़ा भी नहीं टच कर पा रही है। अगर हम पोल ऑफ पोल्स की बात करें तो पीडीपी को जो है बहुत खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने 2014 में जिस तरह से बीजेपी के साथ अलायंस में सरकार बनाई हुई थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि अदर्स में इंडिपेंडेंस और इंजीनियर राशिद की पार्टी शायद अच्छा कर रही है, तो उन लोगों को भी तकरीबन 14 सीट्स मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल सर, इस बीच हम ये बात करेंगे कि 5 सीटों की बहुत चर्चा है, जो कहा जा रहा है कि उसे एलजी नियुक्त करेंगे जो 5 सीटें, वो क्या खबर है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए सर। देखिए, उसमें खबर आज शाम को खबर आ रही है, मीडिया में ही उस तरह की खबर आई कि जेके जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2019 वाला जी, तो उसमें जम्मू कश्मीर में जो है जो एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो शायद 5 जो है एमएलएज को नॉमिनेट कर सकते हैं। हो सकता है वो नॉमिनेशन जो है इलेक्शन रिजल्ट के पहले ही, यानी सरकार गठन के पहले हो जाए। तो इस शाम से ही ये खबर उड़ी हुई है कि साहब अगर 5 नॉमिनेट हो जाते हैं तो 95 उस जम्मू कश्मीर असेंबली में जो है 95 मेंबर्स हो जाएंगे, तो मेजॉरिटी 48 के करीब होगा। उसके बीच की राजनीति, कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को क्रिटिसाइज किया है, लेकिन उसमें बड़ी बात ये आ रही कि साहब इसका दूसरा पक्ष इसका ये आ रहा है कि हो सकता है बीजेपी ने अपनी मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल अर्थमेटिक लगा ली हो कि हंग असेंबली हो रही हो, तो हंग असेंबली में जो है अगर एक तरफा उनको 5 लोगों नॉमिनेट करके उनका समर्थन मिल जाएगा, प्लस वो बाकी जो रेस्ट ऑफ द एमएलएज होंगे, रेस्ट ऑफ द मेंबर्स होंगे, उसको इंडिपेंडेंस के जरिए जो है शायद वो कमी पूरी, मतलब ये कह सकते हैं कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, यानी 45 से ज्यादा सीटें अगर नहीं मिली, तो वहां पर बीजेपी बहुत बड़ा खेल कर सकती है जम्मू कश्मीर में निर्दलियों को लाकर, और जो 5 सीटें हैं जिसे एलजी नियुक्त कर सकते हैं जिस तरीके की बातचीत हो रही है, और इसको भी बीजेपी अपने खाते में कर सकती है। जी हाँ, जी हाँ, यही एग्जैक्टली, क्योंकि उन लोगों ने जम्मू कश्मीर में जो है कश्मीरी पंडित को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, और जेके पीजेओके जो पाकिस्तान पीओजेके पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंटेशन, वहाँ से आए हुए लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए इस तरह से एक एक बात कही है। तो उसमें 5 लोगों का जम्मू कश्मीर जैसे लेजिस्लेचर में जो है 5 लोगों का जो है नॉमिनेट होना, और वो एक तरफा जाहिर सी बात हो जहाँ सरकार के ही पक्ष में जाएंगे, बीजेपी के ही पक्ष में होंगे, तो वो एक बड़ी बड़ी अलग सी चाल होगी, आप राजनीतिक मूव होगा जिसको आप कह सकते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिक पॉलिटिकल मूव, ये तभी हो सकता है कारगर। इसका मतलब कि उन्होंने एक अपना अनुमान लगा लिया है और उन्होंने पूरा असेसमेंट कर लिया है कि साहब हंग असेंबली हो रही है। अगर पोल ऑफ पोल्स को भी हम लोग देखें तो हंग ऑफ असेंबली की ही तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल सर, पोल ऑफ पोल्स कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सरकार बनाने के करीब है, यानी वो 45 के करीब सीटें टच कर रहे हैं, लेकिन
यहाँ पर हम उन कारणों के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि बीजेपी ने बहुत मेहनत की, कश्मीर में खाता खुलेगा उन्होंने इस मकसद से वहाँ पर लगातार मेहनत की, लेकिन कमी कहाँ रह गई? क्या लगता है आपको कि वहाँ पर कश्मीर में क्या कमी रह गई? देखिए, बीजेपी के साथ में ये है कि जिस तरह से कश्मीर में आपने देखा होगा, कश्मीर में जो वैली रीजन में, स्पेशली वैली रीजन में जो है, आपने, आपको पता है कि 47 सीट्स है, मेजॉरिटी सीट्स वहीं हैं और वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस डोमिनेट करती है। उसके पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी डोमिनेट करती रही हैं। बीच में अभी जो इंजीनियर राशिद की पार्टी और इंडिपेंडेंट्स, उन लोगों ने जो है अलग तरह की, एक तरह से कन्फ्यूजन हो गया उनके आने से। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि जो वहाँ के लोगों में, वहाँ के लोगों में जो है अभी भी बीजेपी के प्रति स्वीकार्यता नहीं बन पा रही। बीजेपी को वो लोग बाहर की ही पार्टी मान रहे हैं, वो लोग उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। वो लोग अप्रिसिएट जरूर कर रहे हैं कि सरकार ने यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर कर दी है। लाल चौक पर जो है, जो बिजनेस के मौके उनको मिलने लगे हैं, वहाँ का बाज़ार जो है अब थोड़ा सा सजा हुआ, बेहतर दिखता है। वहाँ लोग आते जाते, बाहर से सैलानी आ रहे हैं, टूरिज्म आए हैं, टूरिस्ट ज़्यादातर आ रहे हैं, अब रिकॉर्ड नंबर में आ रहे हैं, उससे उनकी अर्थव्यवस्था को फायदा होता हुआ दिख रहा है, सभी अप्रिसिएट कर रहे हैं। लेकिन कश्मीरियत के नाम पे उनको लगता है कि 370 हटा के उनके साथ धोखा हुआ है। इस सच्चाई को शायद वो लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वो लोग जितने भी ये सब रिफॉर्म्स हैं इनको अप्रिसिएट करते हुए भी बीजेपी के साथ में नहीं खड़े होते दिख रहे हैं। तो देखिए, ये कुछ ऐसे कारण थे जो बहुत ज़रूरी हैं इस वक्त चर्चा करने के लिए। लेकिन हमने आपको पोल ऑफ पोल्स बताया कि पोल ऑफ पोल्स सीधे तौर पर कह रहे हैं कि वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो सरकार बनाने के करीब है। लेकिन अगर इसमें 40 के करीब अगर सीटें आती हैं, अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को, तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर बड़ा खेला कर सकती है, यह भी हमने आपको बताया। तो पोल पंच में आज हमने आपको डिटेल में बताया कि जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं, पोल और पोल ऑफ पोल्स क्या कह रहे हैं। इसके अलावा अब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि हरियाणा में क्या होने जा रहा है, हरियाणा में किसकी सरकार बनने जा रही है, क्या कांग्रेस ने जो जिस तरीके से कॉन्फिडेंस दिखाया था, क्या उस कॉन्फिडेंस को पार कर लिया है कांग्रेस ने, क्या वो हासिल कर दिया है जो उन्हें हासिल करना था, अगले वीडियो में बताएंगे। लगातार इंडिया.com के साथ बने रहेगा। पोल पंच रोजाना देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।